भारत की नारी शक्ति पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में राइजिंग इंडिया सी शक्ति में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी जी, हमारी सभी बहनों और बेटियों, गणमान्य अतिथियों, नेटवर्क 18 से जुड़े सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने, सम्मानित करने और उसका उत्सव मनाने के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अथक प्रयासों की प्रशंसा करती हूँ। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाली वुमेन अचीवर्स की सराहना करती हूँ, जिन्होंने यहाँ अपने जीवन कथा लोगों के साथ साझा किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए हैं। इस समारोह को अपने टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस, वनवासियों की उपलब्धियों से लेकर इंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा का मंच बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के सत्र में अनेक सफल महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। यहाँ पर आशा दीदी और भारत की मिसाइल वोमेन डॉक्टर टेसी थॉमस से लेकर कविता सिंह, बधुरी ताती और पुनीता अरोड़ा जैसे हस्तियों को उपस्थित महत्वपूर्ण है। आप सभी ने एक सामान्य सी शुरुआत करके अपने लगन और परिश्रम के बल पर बड़े मुकाम हासिल किए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव से उन लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो विभिन्न चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी है जहां उनकी संख्या काफ़ी कम है। मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों और साहित्य में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने ये मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। जरूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। देवियों और स्वजनों, महिला शक्ति के बिना एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं है। हम धरती और भारत भूमि को माता के रूप में
संबोधित करते हैं। विद्या धन बोल के लिए हम माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारी इतिहास महिलाओं के योगदान की गाथाओं से भरा हुआ है। गार्गी, मैत्री, रोमसा और ओपाला जैसे विभूतियों ने, विदुषी नारी ने से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होकर रानी बेलू नचियार और रानी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं के योगदान के उल्लेख के बिना हमारे इतिहास अधूरा है। विश्व के अनेक विकसित देशों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने में बहुत लंबा समय लगाया था, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को शुरू से ही लागू कर दिया। दुनिया भर के लिए ये आश्चर्य की बात थी, लेकिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान देना तो भारतीयता का मूल भाव रहा है। भारत में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में पहले से ही आसीन रही है। नारी का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार रहा है। यव नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा सूत्र वाक्य रहा है। नारी के गौरव में आस्था रखने वाली हमारी परंपरा में अनेक साक्ष्य मिलते हैं कि जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तो पूरा समाज ने एकजुट होकर ऐसे कुकृत्य की भर्त्सना की है और अपराधियों को दंडित किया गया है। आज भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जो नारी समाज के हमारे सनातन मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि नारी के प्रति आदर भाव से युक्त हमारी व्यवस्था में निहित न्याय की शक्ति के बल पर नारी शक्ति सदैव आगे बढ़ती रहेगी। बेटियों और बहनों को सम्मान तथा उचित अवसर देना हमारी परंपरा है और हमारा दायित्व ही है। समाज को पढ़ो और बढ़ो की सोच के साथ बेटियों का साथ देना चाहिए। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली हमारी बेटियां अपनी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए खेल, संगीत, कला, विज्ञान, रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। ये समारोह भी इस तथ्य का एक स्पष्ट प्रमाण है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट के युग में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे समाज का सकारात्मक सहयोग मिलने पर नारी शक्ति के नेतृत्व में ही हो रही है विकास की ये यात्रा और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन एक समाज के रूप में हम सब कभी बेटियों और बहनों को सबल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले सके और अपना भरपूर योगदान दे सके। मीडिया हमारी समाज व्यवस्था का अहम हिस्सा है और लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। इस नाते मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का काम समाचार प्रसारित करना ही नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षित करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना भी है। मुझे खुशी है कि नेटवर्क 18 ने इस दिशा में एक खास पहल की है। अपने अपने क्षेत्रों में सफल महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित ये समारोह प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस समारोह से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगे और महिला सशक्तिकरण के हित में ऐसे आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।